एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने आज ही 19 नवंबर 2020 को अनाउंसमेंट रिलीज करी है जेन फेव एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग में। सो ये अनाउंसमेंट क्या है? इन कंटिन्यूशन ऑफ अनाउंसमेंट डेटेड 7 नवंबर 2020, इट इज इन्फॉर्म दैट जेन फेव 2021 एग्जामिनेशन विल कमेंस फ्रॉम 21 जैन 2021 इन ऑल सिटीज वेयर एग्जाम्स आर करेंटली शेड्यूल्ड फॉर नवंबर 2020 एग्जामिनेशन। फर्दर डिटेल रिलेटेड टू शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन एंड एडमिट कार्ड विल बी इनिमेटेड सून आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ ऑफ्टआउट स्कीम। सो इंस्टीट्यूट ने बस इतनी सी अनाउंसमेंट, जो कि इंस्टीट्यूट 7 नवंबर वाली अनाउंसमेंट को भी कर सकता था, वो अब कर रहा है, जिसमें इंस्टीट्यूट ने पूरी एग्जैक्ट अनाउंसमेंट नहीं, मतलब डेट शीट नहीं रिलीज़ करी है, ना ही ऑफ्टआउट की रिगार्डिंग में कुछ बताया है। लेकिन उन्होंने ये बताया कि जब लास्ट डेट ऑफ ऑफ्टआउट स्कीम, इसका मतलब जब आपके नवंबर साइकिल वन के एग्जामिनेशन एंड हो जाएंगे, तब आपको उसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो यही थी अनाउंसमेंट। मैं तो स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ऑप्ट आउट ना करिए। अभी आपके एग्जामिनेशन जो हो रहे 21 नवंबर से, अगर आपके आसपास की सिचुएशन है तो तभी दीजिए। और आपको भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के भी क्लैरिफिकेशन नहीं चाहिए ऑप्ट आउट के रिगार्डिंग ही क्यों ना हो। सो ऑप्ट आउट आप अभी ना करिए। अगर आपके एग्जामिनेशन के ड्यूरिंग में आपको लगता है कि सिचुएशन ठीक नहीं है, तभी ऑप्ट आउट करिए। लेकिन एग्जामिनेशन से एक दो दिन पहले भी ऑप्ट आउट ना करिए। अभी भी काफ़ी ज़्यादा क्लैरिफिकेशन नहीं है ऑप्ट आउट के रिगार्डिंग भी। सो बिना क्लैरिफिकेशन के ऑप्ट आउट करने का कोई सेंस नहीं बनता। होप करता हूँ कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।